रहते हो, घर में कौन कौन रहे हैं? सर हम रहते हैं नगरोटा टोक बजीर। घर में तीन बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं और तीनों बच्चे स्कूल जाने वाले हैं। आप फर्स्ट लेडी हो जो ऑटो चलाते हो, ये प्रेरणा कैसे मिला, कहाँ से मिला? सर प्रेरणा क्या, जब मजबूरी हो तो सर सब कुछ करवा देती है। तो सर ये हमने ऑटो लिया किसी से पैसे लेके, और सर ये मेरे हस्बैंड ने मुझे 2 दिन के अंदर अंदर चलाना सिखाया, तो मैं चलाती हूँ सर। कैसे लगा आपको पहला लेडी जो ऑटो चला रही हूँ, कैसे महसूस हो रहा है, कैसे लगा? सर महसूस तो हुआ कि सभी जेंट्स चलाते हैं, मैं पहली लेडीज़ हूँ जो चला रही हूँ। फिर भी सर कईयों ने देख के हंसे भी, फिर भी मैंने सर इग्नोर किया और मैं अपना क्योंकि काम करती रही। बस करके ये ऑटो चलाना पड़ा, क्या मजबूरी थी? सर मजबूरी, बच्चे पढ़ते हैं तीनों, घर में महंगाई का दौर आपको पता ही है, तो सर घर में आटे की ढालने की भी बड़ी मुश्किल हो गई थी। अब ये है कि मैं काम करती हूँ तो घर में शाम को चूल्हा बल जाता है। हस्बैंड से और बच्चों से सपोर्ट मिला? हाँ जी सर, हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है। ये लड़कों की काम है, लड़कों ऑटो चलाते हैं, आप लेडी हो चला रही हो, तो क्या कहेंगे, कितना टफ है? टफ तो बहुत है सर, मगर ये है कि अब घर में बेटा अभी छोटा ही है, कमाने वाले खाली हस्बैंड ही हैं, जैसा तैसा चलो घर चल रहा है, मगर सर बच्चों को खासकर बेटियों को हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो सर मैंने ये नहीं देखा कि ये जेंट्स का काम है कि लेडीज़ का, मैंने चलाना सीखा और मैं चलाती हूँ। कितने दिनों से आप ये ऑटो चला रहे हैं? ये सर मेरे को 4 महीने हो गए, मैंने 2 दिन के अंदर अंदर ये ऑटो सीखा था सर, तो मेरे को 4 महीने हो गए, लगभग 5वां महीना लग गया था। सर बोलते हैं, कहीं देख के बोलते हैं अभी हैं, कहीं जेंट्स जैसे रोक लेते हैं ऑटो को और बाद में बोलते हैं लेडीज है आप जाओ, तो कोई बात नहीं सर, नहीं बैठते तो नहीं बैठते। कहना चाहेंगे हम जेंट्स को जो लेडीज़ को देख के नहीं बैठते? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि भी लेडीज़ ने भी वही ऑटो चलाना है और जेंट्स ने भी वही चलाना है, किराया उन्होंने भी वही लेना है, मैंने भी वही लेना है, तो फिर बैठने में क्या दिक्कत है सर? कितना सेफ्टी है इस टाइम खास करके? लड़कियों को बहुत सेफ्टी है सर, मेरे मोहल्ले में काफ़ी सारे माँ बाप के बच्चे हैं, बच्चों के माँ बाप हैं जो जिन्होंने मतलब कि मेरे को बच्चे दिए हैं स्कूल में लगाने के लिए, क्योंकि उनकी बेटियाँ सेफली मेरे साथ जा सकती हैं। परिवार सब कुछ चल जाता है, समय जाता है। सर ये सवारी पे डिपेंड करता है कि भी कभी तो सवारी ज़्यादा मिल जाए तो 500-600 भी बन जाते हैं, नहीं तो 200-300 ही बनता है, चलो घर का गुजारा चल जाता है। तो कैसे लग रहा है आपको, पहली ऑटो ड्राइवर हो आप? सर अच्छा लग रहा है ऑटो ड्राइवर बन के, अपने घर चलाना है कमाना है वो कर सकता है काम। जो डर रहे हैं घर से बाहर नहीं निकल रही हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहिए आप? सर मैं यही मैसेज देना चाहूँगी सर कि काम तो करना ही पड़ेगा, बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि घर में बैठे रहेंगे हिचकिचाते रहेंगे तो हम जो नारी जाति हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नारी जाति का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नारी जाति ही घर में बैठी रहेगी तो जेंट्स ही सब बाहर निकलते रहेंगे, तो नारी को कोई पहचान ही नहीं पाएगा, उसकी कोई पहचान। सर मैं यही कहना चाहूँगी सरकार से कि जैसे मैं ये लोन की किस्तें भर रही हूँ तो सर थोड़ा मेरी हेल्प हो जाए, तो सर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, थोड़ा सा सब्सिडी मिले ताकि मेरा ये लोन थोड़ा हल्का हो जाए और मेरे सिर से थोड़ा बोझ उतरे। जाना होता है घर की फैसिलिटी के लिए भी मेरे को बहुत अच्छा मतलब है, और घर के बच्चों बच्चों के लिए भी बहुत, और सवारी वगैरह भी मिल जाती है, सवारियों के फ़ोन भी आ जाते हैं कि हमें यहाँ वहाँ जाना है, तो मैं चली जाती हूँ सर छोड़ आती हूँ।